जॉन सीना और द अंडरटेकर एक दूसरे के फेस टू फेस, ये आपको यकीन नहीं हो रहा होगा, लेकिन अगर ये सीन कल आप लोगों को खुद देखने को मिल जाए तो। वीडियो की स्टार्टिंग करते एक मैसिव इंफॉर्मेशन के साथ जो आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज मंडे नाइट रॉ में द स्कॉटिश साइकोपैथ ड्रू मैकइंटायर ने सेथ रॉलिंस को चैलेंज कर दिया है फॉर द WWE वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप। एंड गाइज, ये मैच नवंबर 4 को होने वाले क्राउन जूल के लिए ऑफिशियली कंफर्म हो गया है। अब गाइज, ड्रू मैकइंटायर के रिंग से जाने के बाद हमें क्या देखने को मिलता है, डेमियन प्रिस्ट सेथ रॉलिंस पे अटैक कर देते हैं। इसके बाद डोमिनिक मिस्टीरियो उनके मनी इन द बैंक ब्रीफकेस और एक रेफरी के साथ रिंग की ओर आ रहे होते हैं। इसका मतलब ये था कि डेमियन प्रिस्ट आज अपने मनी इन द बैंक ब्रीफकेस को कैश इन करना चाहते थे, लेकिन ड्रू डोमिनिक को बीच में रोकते हुए डेमियन प्रिस्ट के मनी इन द बैंक ब्रीफकेस को उनसे छीन कर दूर फेंक देते हैं। अब ड्रू मैकइंटायर के ऐसा करने के बाद डेमियन प्रिस्ट डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और इसी का फायदा उठा सेथ उन्हें रिंग से बाहर कर देते हैं। सच में गाइस, डेमियन प्रिस्ट के साथ कुछ ठीक नहीं हो रहा। पहले वो अपने अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियनशिप को हार गए और अब उनका मनी इन द बैंक ब्रीफकेस कैश इन नहीं हो पा रहा है। तो गाइस, अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। कल गाइस NXT का शो है और यहाँ के लिए एक बड़ा मैच एडवर्टाइज है। ये मैच है कार्मेलो हेज वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर, और बड़ी बात ये है कि यहाँ आप लोगों को जॉन सीना और वाइसमैन पॉल हेमन देखने को मिलेंगे। जहाँ जॉन सीना कार्मेलो हेज के रिंग साइड होंगे, वहीं पॉल हेमन ब्रॉन ब्रेकर के रिंग साइड होने वाले हैं। मैं तो गाइस इस मैच में हमारे ए चैंपियन कार्मेलो हेज को सपोर्ट करने वाला हूँ, एंड मुझे लगता भी है कि इस मैच के अंदर वे ही होंगे। लेकिन आप लोगों को क्या लगता है नीचे कमेंट में जरूर बताएं। सीना और पॉल हेमन के साथ साथ कल आप लोगों को NXT में द अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स भी देखने को मिलेंगे, जहां गाइस उनकी ओर से आप लोगों को एक मेजर अनाउंसमेंट देखने को मिलेगी। आस्का भी कल NXT में अपियर होने वाली, जहां उनका मैच NXT के एक टॉप सुपरस्टार रॉक्सन पेरेस के साथ होने वाला है। और गाइस, कल अगर NXT में कुछ सबसे बड़ा होने वाला है तो वो है द अमेरिकन बैडेस्ट अंडरटेकर का रिटर्न। अपने WWE के इतने लंबे करियर में अंडरटेकर पहली बार NXT में अपियर होंगे। एंड गाइस, बस ये मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूँ, मुझे लगता है कि जो गेसी के साथ आप लोगों को उनका एक सेगमेंट देखने को मिलेगा। अगर आप लोगों में से कोई जो गेसी को नहीं जानता है तो गाइस, ये NXT का क्या कमाल का टैलेंट है। अगर मैं कहूँ तो ये ब्रेव वाइट और अंडरटेकर का मिक्सचर है। डार्क वर्ल्ड के बारे में बात करना और अपने ओपोनेंट के दिमाग के साथ खेलना, यही इनकी स्ट्रेटजी रहती है। तो कल इनके डार्क वर्ल्ड में इंटर करके अंडरटेकर इनसे मिलने वाले हैं। आपके मन में एक सवाल चल रहा होगा, आखिर WWE NXT में इतना कुछ क्यों कर रहे हैं? तो गाइस, इसका रीजन है द रेटेड आर सुपरस्टार। एज मैंने आपको बताया था कि वो AEW में जा चुके हैं और कल AEW और NXT हेड टू हेड जाने वाले हैं। तो कल AEW में एडम कॉपलैंड फाइट करने वाले हैं लुचासॉरस से। एडम कॉपलैंड गाइस, ये एस का AEW रिंग नेम है, तो इस हेड टू हेड में ऑडियंस को अपनी ओर अट्रैक्ट करने के लिए WWE ने ऐसा कुछ किया। कल गाइस अंडरटेकर और जॉन सीना दोनों NXT के सुपर होने वाले हैं, तो आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो कि जिस तरह स्मैकडाउन में रॉक के रिटर्न के बाद बैक स्टेज वो दोनों आप लोगों को एक फ्रेम में देखने को मिले, सेम एस अंडरटेकर और सीना भी आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं साथ में। तो ओके, फिर आज के इस वीडियो का एंड करते हैं। सो सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय एंड टेक केयर।